राधे जी नमस्कार। रीटा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ नई चीज़ बनाएंगे। हमारे घर पर अगर कोई सब्जी ना हो तो ग्रेप्स से हम सब्जी बनाएंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ग्रेप्स ले लिए, खट्टे मीठे ग्रेप्स लेने हैं, ज़्यादा मीठे ग्रेप्स नहीं लेने। अब इनको सबको अलग करेंगे हिस्से और अच्छे पानी में धोएंगे। कम से कम 3 से 4 बार पानी को में अच्छी तरह इसको धोएंगे। ऐसे कर कर हम सारे ग्रेप्स निकाल लेंगे। इसकी सब्जी यकीन माने इसकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। खट्टी मीठी सब्जी बनती है, जैसे हम कच्ची आंबी की बनाते हैं। ऐसे कर कर हम सारे अंगूर को निकाल लेंगे, अच्छी तरह इनको धो लेंगे कम से कम 2 से 3 बार, क्योंकि इन पर दवाइयाँ वगैरह लगी होती है। तो अच्छी तरह धोकर इनकी अब हम सब्जी बनाएंगे। अच्छी तरह मसल के अच्छी तरह हम धो लेंगे। अब आधे अंगूर का हम जूस बनाएंगे। ये आधे अंगूर हमने मिक्सी में डाल लिए, इसका हम जूस बनाएंगे और थोड़े से अंगूर हम काटेंगे। ये हमने थोड़े से अंगूर ले लिए, अब इनको अच्छी तरह हम काटेंगे। सबको ऐसे ही काटना है। जैसे हम आम की चटनी बनाते हैं खट्टी मीठी, उसकी बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे ही इसकी बनेगी ग्रेप्स की। ये ऐसे कर कर हमने सारे अंगूर काट लिए। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं सब्जी। दूसरी तरफ हमने जो जूस पीसा था ग्रेप्स का, वो सारा हम छान लेंगे ताकि इसका सारा नीचे निकल जाए और गुद्दा सा ऊपर रह जाए, जो इसका छिलका है वो ऊपर रह जाएगा सारा, क्योंकि ये छिलका आएगा फिर उसमें सब्जी में अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट। देखो ये सारा इसमें छिलका ऊपर रह गया। ये हमारा सारा ग्रेप्स का जूस निकल गया। इसकी हम सब्जी बनाएंगे। हमने एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाल लिया और उसमें थोड़ा भुना जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छी तरह भुनेंगे। आप इसमें थोड़ी कलौंजी भी डाल सकते हो, हम कलौंजी नहीं डालेंगे। अभी सारा जो अंगूर का जूस था हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें आधी कटोरी हम चीनी की डालेंगे। चीनी को अच्छी तरह हम मिक्स होने देंगे, सारी मेल्ट हो जाए चीनी। अब इसमें हमने ग्रेप्स भी डाल दिए जो काटे थे। आधा चम्मच हमने भुना हुआ जीरे का जीरा डाला है और आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच वाइट नमक, एक चुटकी लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च कम डाली है, काली मिर्च डाल दी है, और थोड़ी सी हल्दी। अब इसको हम सारे चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा सब्जी का। देखो इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया, खाने में बहुत अच्छी लगती है। जब ये सब्जी बन जाए इसमें बाद में हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले से इसकी सब्जी का टेस्ट बिल्कुल ही अच्छा बन जाता है। अब हमारा जूस अच्छी तरह गाढ़ा होने लग गया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये देखो अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम सर्विंग करेंगे। ये हमने अब सारे प्लेट में निकाल लिए। अब ये हमारी ग्रेप्स की सब्जी बनकर तैयार है। राधे राधे नमस्कार।